कचहरी रोड, आगरा गेट, पृथ्वीराज मार्ग सहित शहर के अन्य इलाकों में दिन भर ट्रैफिक रेंगता रहा। ट्रैफिक जाम की स्थिति से आमजन परेशान हुए। उल्लेखनीय है कि सोमवार को गांधी भवन चौराहे पर डिवाइडर लगाकर कचहरी रोड से मदार गेट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। इसी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था धराशायी हो गई। ट्रैफिक जाम से शहर के लोगों का रूटीन गड़बड़ा गया। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करने के लिए कई जगहों से चार पहिया वाहन और कॉमर्शियल वाहनों को डाइवर्ट किया। आगरा गेट से बजरंगगढ़ चौराहे तक दिन भर जाम के हालात रहे। इस वजह से राहगीर और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर शहर में यातायात की व्यवस्था को लेकर के ऐसा लग रहा है कि पुलिस और जो विभाग के कार्य कर रहे हैं दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, और जनता को भी सामंजस्य बैठाना चाहिए। और जिस प्रकार से जाम लग रहा है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अजमेर में प्रशासन के बीच में कहीं जनता और प्रशासन के बीच में संवाद की कमियां हैं। उसी वजह से जनता भी जहां मर्जी आ रही है उसी तरीके से गाड़ी जो बेजरियम की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं से नहीं की गई है। और इस तरह अगर कार्य हुआ पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं लेकिन उनसे व्यवस्था जो नहीं बैठ पा रही है क्योंकि संख्या बल उनका कम है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।